पुलवामा जिले में किया गया मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम। थिएटर और फोक म्यूजिक की रिवायत को आगे बढ़ाने में जुटे कश्मीरी नौजवान। और नौजवानों की तवानाई को दी जा रही नई समत, बनाया जा रहा हुनरमंद। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सेहती महकमे के मुश्तरका ताउन से मुनक्किदा मेगा हेल्थ कैंप की। आवाम को म्यारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी रहती हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज और बहुत सारे गैर सरकारी इदारे भी आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहते हैं। जाहिर है इसके लिए अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है, जहां मुख्तलिफ अमराज में मुबतला लोग अपनी परेशानियों के इजाले की उम्मीद लिए पहुंचते हैं। वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंप का ये कॉन्सेप्ट किस तरह से मुआविन साबित हो रहा है, इसी पर पुलवामा जिले से पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आवाम की फलाह बहबूदी से जुड़े अलग अलग इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों को बुनियादी व जरूरी सहूलियात से मुस्तफीद करवाया जा रहा है। इनमें लोगों को इलाज व मुआवजा देना भी शामिल है। इस समत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सेहती महकमे की जानिब से पुलवामा जिले में मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत करते हुए अपनी बीमारियों का इलाज करवाया। हेल्थ मेला जो है, खासकर ऑनरेबल एलजी साहब का एक मिशन है कि किस तरीके से हेल्थ की सर्विसेज को यूनिवर्सलाइज वे में जो है वो कवरेज दी जाए, ताकि यहाँ पे जो हर रोज जो है वो दूर दराज हॉस्पिटल में या उन चीज़ों पे जो है वो आ नहीं सकते हैं या उनको कहीं दिक्कत होती है, तो इसलिए ये हमने कवरेज यहाँ पे स्टार्ट की है। इस मेगा हेल्थ कैंप में तिब्बी माहिरीन की टीम ने लोगों का न सिर्फ मुफ्त चेकअप किया, बल्कि कैंप में लोगों को इलाज की सहूलियत के साथ साथ अदवियात भी दस्तयाब करवाई गई। इस मेले में लोगों को इलाज के साथ साथ खुद को तंदुरुस्त रखने के बारे में बेदार भी किया गया। इसके अलावा आवाम के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हेल्थ सर्विसेज को लेकर जितने भी मंसूबे हैं उनके बारे में वहां आने वाले लोगों को बेदार किया गया और उन मंसूबों से उन्हें जोड़ा गया। इस इकदाम से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए। यहाँ की जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त रहेगा। ये जो लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये यहाँ सारे सर्जन भी है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, जो भी आ रहा है उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूर दराज लोगों से भी लोग जो है वो आ रहे हैं, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सेहती महकमे की ओर से ये कोशिश रही है कि मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में मकामी लोगों को उनके घरों के आसपास ही मामूली से लेकर बड़ी बीमारियों का भी इलाज मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर लगाए गए कैंप में जनरल फिजिशियन के अलावा न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने शिरकत की। इस वजह से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हर उम्र के लोग कैंप में मिल रही तिब्बी सहूलियात का फायदा उठाते नजर आए। बहुत फायदा है हमको, यहाँ से मिलती है कम से कम 1-2 हजार की दवाई, वहाँ हम कहाँ से ये पैसा लाएंगे जब वहाँ हम यह दवाई ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान होने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बाईस अब लोगों को अपने मरीज दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और दीगर मुख्तलिफ शहरों में ले जाने की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे ब्लॉक और जिलाई सतह के प्रोग्राम आवाम को उनके डोर स्टेप पर ही जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने में अहम तरीन साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की फनो सकाफत की विरासत को संजोए रखने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम उठाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के रक्सो मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद करने से लेकर थिएटर से जुड़े प्रोग्राम मुनक्किद करने के इकदाम शामिल हैं।
इस सिमत में मौसमी सरमा की कपकपाती ठंड के बावजूद श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी रक्सो मौसीकी से सराबोर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिससे यहां आए शायकीन काफी महजूज हुए। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। भले ही दुनिया के लिए स्टेज परफॉर्मेंस आर्ट महज जज्बात और ख्यालात को जाहिर करने का एक खूबसूरत तरीका हो, लेकिन कश्मीर में थिएटर आर्ट एक ऐसा जोश है जिससे यहाँ के फनकार खास जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके जरिए ये मकामी आर्टिस्ट लोगों को लुत्फंदोज करते आए हैं। इन दिनों वादी कश्मीर में दर्जा हरारत सिफर से नीचे चला गया है। इसके बावजूद जम्मू एंड कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में थिएटर प्ले और सकाफती शोज मुनक्किद किए गए। इसमें मकामी अदाकारों और नौजवानों ने काफी तादाद में गर्मजोशी के साथ शिरकत की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशनल कल्चर है, जिसको हम बांडपत्र बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस टाइम ठंडी का मौसम है, एजुकेशन का प्रेशर है यूथ पे, पढ़े लिखे बच्चों का जो बिजी शेड्यूल है, उसमें हमें कल्चर एक्टिविटीज करनी चाहिए। आज उसी इन सीटों पर हमने यहाँ पे कश्मीरी रोफ, कश्मीरी छकरी, बांडपत्र, और जिसको आपने देखा है कि इतने सारे बच्चों ने इंटरटेनमेंट की। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें ऐसे शोज ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें हमारे बच्चों को कम से कम ये तो पता चले हमारी कल्चर और संस्कृति क्या है। कश्मीरी नौजवानों में रिवायती रक्स व मौसीकी से जुड़े हुनर और सलाहियत की कोई कमी नहीं है, और ऐसा इस प्रोग्राम के दौरान भी देखने को मिला। लोगों की तफरीह और उनमें बेदारी लाने के लिए थिएटर के साथ साथ रक्स व मौसीकी से जुड़े प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। J&K फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा इन प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को अपनी पहचान, रिवायत और जुबान को करीब से जानने का तजर्बा हासिल हुआ। इसके साथ ही इन्हें रोजमर्रा की परेशानियों से बाहर निकलकर फुर्सत के शानदार पल बिताने का भी मौका मिला। पहले मैंने जब देखा तो सर बहुत ही अच्छा लगा। सर मैंने सर आजकल की नौजवान को मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक फलक थिएटर है, लोग इसमें नहीं जाते हैं। लोग इसमें क्या करते हैं कि वो शर्माते हैं सर, जैसे कि हमारे नेशनल बॉन्ड थिएटर हैं, उनको बोलते हैं कि ये कश्मीरी बॉन्ड है, लेकिन असल में कल्चर प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है सर। रक्स व मौसीकी की रिवायत यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और सकाफत का अहम हिस्सा है, लिहाजा इसे फरोग देने के मद्देनजर वक्तन फवक्तन कल्चरल प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाता है। इनमें नई उम्र के उभरते हुए फनकारों को भी अपनी सलाहियत दिखाने का मौका दिया जाता है, ताकि वो अपने इस फनी सलाहियत को मंजरेआम पर ला सकें। इससे उनकी हौसला अफजाई तो होती ही है, साथ ही एक अलग तरह का साजगार माहौल भी कायम होता है। लोग इसमें शिरकत करते हैं और ये उन्हें रूहानी सुकून देता है। बहुत अच्छा लगता है जैसे कश्मीर के बच्चों को मौका मिलता है कुछ करने का, और जैसे कि आज के प्रोग्राम में इतने सारी चीजें, मतलब रफ हुआ और भी बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। एक इंसान, एक लड़का लड़की जो कश्मीर में बच्चे हैं, सबको मौका मिलता है कुछ करने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो बहुत अच्छा रहता है ये। इससे प्रमोशन मिलती है कल्चर को। मिक्स और रीमिक्स की दुनिया में ऐसे फनो सकाफती प्रोग्राम आज के दौर की जरूरत बनते जा रहे हैं। इसके जरिए न सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों को कदीमी विरासत से जोड़ा जा रहा है, बल्कि तारीख से चली आ रही मकामी स्टेज आर्ट की मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस को तहफुज भी दिया जा रहा है, जिन्हें मुस्तकबिल में बार बार मुनक्किद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। तफली की शुशी एक जापानी आर्ट वर्क है, हैंडवर्क शानदार है। टोक्यो में
तो यूसुफ मार्केट में सुशी कप का इनेकाद किया गया। ये 10वीं तकरीब है। फाइनलिस्ट 9 मुल्कों के 15 सुशी शेफ हैं। फाइनलिस्ट शेफ्स में यूएस, यूरोप, एशिया और जुनूबी अमेरिका के शेफ हैं। पहली बार बांग्लादेश के शेफ ने शिरकत की। खास तौर पर फ्रांस से 4 फाइनलिस्ट ने हिस्सा लिया। ये सबूत है कि फ्रांस में सुशी सकाफत बहुत खुशहाल है। मोहतरमा साताशुकी काटियामा हुकूमती पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट के ऐवाने बाला के रुकन हैं और सुशी कल्चर की पुरजोर हामी हैं। वो इस बात पर जोर देती हैं कि रिवायती सुशी कल्चर को बढ़ाया जाना चाहिए। 1 घंटे में फाइनलिस्ट क्रिएटिव सुशी पकाते हैं। सामान में 30 मछलियाँ और मवाद है। कुछ सुशी शेफ खास मवाद तैयार करते हैं, जैसे चॉकलेट, पोर्ट वाइन, मैरिनेटेड फिश वगैरह। मार्किंग पॉइंट, तफली की सलाहियत, बावर्ची खाने के चाकू को चलाने की महारत, काटने की महारत और साफ सफाई के मैनेजमेंट के मुताबिक है। अमेरिकन म्यूजिक सुपरस्टार बियोंसे ने गुज़श्ता दिनों दुबई में एटलांटिस द रॉयल होटल के इफ्तिताह के मौके पर एक शानदार तकरीब में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस तकरीब में 1000 से ज्यादा मशहूर शख्सियात और खुसूसी मेहमान जैसे अमेरिकी मॉडल केंडल जेनर, ब्रिटिश वोग के इंग्लिश एडिटर इन चीफ एडवर्ड एनिनफुल और इंग्लिश सिंगर लियाम पेने ने शिरकत की। बियोंसे ने इस तकरीब में 60 मिनट तक परफॉर्मेंस दिया, जो कि 2018 के बाद उनका पहला लाइव शो था। ग्लोबल सुपरस्टार के साथ फिरदौस ऑर्केस्ट्रा और लेबनान का एक डांस ग्रुप मयास भी था। परफॉर्मेंस के बाद जमकर आतिशबाजी भी की गई। अटलांटिस द रॉयल, जिसे बनाने में 8 साल लगे, जल्द ही मेहमानों के खैर मकदम के लिए तैयार रहेगा। इसे दुनिया के सबसे अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट के तौर पर ब्रांडेड किया गया है। यह टाकी टाउन शिमाने सूबा है, जो कि जापान सागर के सामने है। पार्किंग एरिया के सुविनियर सेक्शन में अंजीर से बने प्रोडक्ट हैं, जो एक खास प्रोडक्ट है। इससे सियाहत की सन्नत को फरोग मिलता है। अंजीर की सॉफ्ट आइसक्रीम को सॉफ्ट क्रीम मेकर निस्सी के टाउन से डेवलप किया गया है। ये सयाहों में मकबूल है। सॉफ्ट क्रीम विजिटर्स को सुकून का एहसास देती है। अंजीर सॉफ्ट आइसक्रीम की बनावट मुनफरीद है। क्रीम को छोटे अंजीर के बीजों के साथ गुथा जाता है। निस्सी जापानी सकाफत क्रीम कल्चर को दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए सॉफ्ट क्रीम के साथ मकामी खास मसनूआत के साथ टाउन करता है। अंजीर सॉफ्ट क्रीम, जिसकी एक मीठी और रहस्यमयी बनावट है, गैर मुल्की सयाहों में मकबूल हो जाएगी। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे तामीर तरक्की की, जिसे लेकर इंतजामिया काफी संजीदगी से कार फरमा है। इस सिमत में सड़कों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, जगह जगह पार्कों को सजाया और संवारा जा रहा है, बिजली पानी की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के तहत उधमपुर जिले में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किया जा रहा है, जिसके तामीर होने के बाद से घरों में इस्तेमाल होकर नालियों में जाने वाला पानी बेकार नहीं जाएगा, उसका इस्तेमाल काश्तकारी में किया जा सकेगा, जिसकी वजह से इलाके में बहने वाली दरिया में भी आलूदगी में कमी आएगी। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। महानगरों के तर्ज पर जम्मू कश्मीर यूटी में भी डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। उधमपुर जिले में तैयार हो रहा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत अर्बन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इसे तैयार किया जा रहा है।
इससे 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार करने का मंसूबा है, जिसकी लागत करीब 190 करोड़ के करीब है। इसके तहत यहां पर 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 8, 4 और 1.6 MLD कैपेसिटी का होगा। हर आदमी का सपना रहता है कि उसका शहर जो है वो एक स्मार्ट सिटी हो, लेकिन स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो पहला जो उसका फेस है या उनकी कंडीशन है कि उस शहर के अंदर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, ताकि जितना भी सीवर है शहर का वो ट्रीट होकर, चाहे उसका हम अगर सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसकी जो खाद तैयार होगी या जो वेस्ट वाटर उसमें रहेगा वो ट्रीट होकर हमारे जो नदी नाले हैं उनके अंदर जाए। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तामीर होने के बाद उधमपुर में होने वाली पानी की परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरह के प्लांट के कायम करने का मकसद ये है कि जो पानी पहले लोगों के घरों से निकलकर सीवेज के जरिए सेफ्टी टैंक में जमा होता था, उसके बाद वो नालियों के जरिए बाहर निकल जाता था। अब उसी पानी को पाइपलाइन के जरिए ट्रंक सीवर से प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद यहां पर इस पानी को साफ कर इसे कल्टीवेशन के कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये अपना देवका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, एसटीपी प्लांट 1.6 एमएलडी है और इस पे काम लगभग 95% हो चुका है। अभी हम लोग इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, इसे पंपिंग के थ्रू और अपना स्क्रीनिंग के थ्रू साफ किया जाएगा और यहाँ SBR से जो भी इसके अंदर स्लज होगी उसको अलग किया जाएगा। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत कायम हो रहे इस प्लांट से यहाँ के देविका दरिया को भी आलूदगी से पाक रखने में काफी मदद मिलेगी। देविका दरिया तारीखी और मजहबी एतबार से किस कदर अहमियत का हामिल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देविका दरिया को दरियाए गंगा की बड़ी बहन माना जाता है। यही नहीं, कदीमी दौर से मौजूद देविका दरिया का जिक्र हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों में भी मिलता है। दरिया के किनारे के आसपास की तामीरों तरक्की का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है, तकरीबन 85% काम पूरा हो चुका है। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक 8.0 एमएलडी का है, एक 4 एमएलडी का प्लांट बन रहा है और एक 1.6 एमएलडी का बन रहा है, जो कि SBR टेक्नोलॉजी पे चलेंगे। तो अभी हम 1.6 एमएलडी पे खड़े हैं तो इसका लगभग 95% जो है वो काम खत्म हो चुका है और 5% कुछ फिनिशिंग बचा हुआ है। उधमपुर जिले को देविका नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, उसकी इस शिनाख्त को कायम और दायम रखने में ये प्रोजेक्ट अहम साबित हो रहा है। देविका दरिया के आसपास जो घाट तैयार किया गया है उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोग यहाँ के नजारे से लुत्फानंदोज होते हुए पुरसुकून माहौल में लंबा वक्त गुजारे, इसके लिए बाकायदा लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। अंधेरा होने पर यहाँ के लाइटनिंग सिस्टम के बीच यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इससे यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। आज जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सरबराही की, माशरे के लिए दौलत बनाने के लिए नई ताकत और इल्म के सरीहा इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए यूनिवर्सिटी के सारे कामकाज में एक आइडियल बदलाव लाने के लिए हिकमत अमली और मुदाखलतों पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी में आज झेलम रिवर फ्रंट पर एक पब्लिक प्लेस पर तकरीब का इनेकाद किया गया। बेदारी पैदा करने और तैयार की जा रही जगह का जायजा लेने के लिए NIT श्रीनगर और दीगर कॉलेजों के तलबा व तालिबात के साथ दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स को शामिल किया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर ने आज अपना 11वां राइजिंग डे मनाया। ये खास तकरीब गांधीनगर हेडक्वार्टर में मुनक्किद की गई। डॉक्टर बी श्रीनिवास IPS DGP और कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स CD SDRF ने इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। DC रजौरी ने ITI रजौरी का दौरा किया और B2V पहल के चौथे फेज के दौरान पहचाने गए नौजवानों की महारत की तरबियत के प्रोग्राम का मुआयना किया।
इन्होंने तुलबा की हौसला अफजाई भी की, वो इस मौके से ज्यादा फायदा उठाएं और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशिश करें। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी नोकिया ने अपनी अगली पेशकश में एक बजट फोन C12 लॉन्च किया है। कम कीमत वाले इस फोन में 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया ने एक लो बजट फोन को बाजार में उतारा है जिसे सी सीरीज का लेटेस्ट एडिशन नोकिया C10 के सक्सेसर के तौर पर कंपनी की जानिब से लॉन्च किया गया है। इसका नाम C12 रखा गया है। इस नए फोन में कंपनी ने 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया है जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल और इसके रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इस फोन में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR जैसे फीचर्स शामिल हैं। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 3000 mAh की रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रो USB पोर्ट और हेडफोन जैक का सपोर्ट भी दिया गया है। ये फोन एंड्रॉइड के 12 गो एडिशन के साथ आता है। इसमें कंपनी की जानिब से 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात भी कही गई है। आखिर में बात करते हैं नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट की। इंसानी वसायल का बेहतर इस्तेमाल हो और इस समत में मुल्क अव्वल मकाम हासिल करे, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाकर गरीबी को खत्म करना खास मकसद है। इसमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI अहम रोल अदा कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के साथ ही सन्नती इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में भी संगे मील साबित हो रहा है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले का ITI सेंटर। यहाँ पर मौजूद ये तुलबा और तालिबात एक खास मकसद के तहत तरबियत हासिल कर रहे हैं। देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाने, पंचायती राज निजाम को मजबूत बनाने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज किया गया था। ये उसी का हिस्सा है। इसका मकसद नौजवानों को खुद रोजगार से जोड़ना है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए उनका हुनरमंद होना जरूरी है। बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने 320 पंचायत में पर पंचायत 20 यूथ को आइडेंटिफाई किया था। लगभग 6400 के आसपास बच्चों को आइडेंटिफाई किया था जो हमें, जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने से पहले जरूरी है कि हम उनकी स्किल अपग्रेडेशन करें। स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए हमने ये ITI के जो वेरियस कोर्सेज हैं, जैसे कारपेंट्री का है, प्लम्बिंग का है, मोटर रिपेयर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, टेलरिंग का है, निटिंग का है, तो ये सब कोर्सेज हमारे ITI में अवेलेबल थे। तो हमने इसी के अंदर बच्चों को इनरोल किया है जो हमने बच्चों को ब्लैक टू विलेज में आइडेंटिफाई किया था। हुनरमंद लोगों के मुतालबात को पूरा करने के लिहाज से इस तरह की ट्रेनिंग को मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। हुकूमती स्कीम के तहत इस बात का फैसला किया गया है कि यहाँ के 320 पंचायत के हर पंचायत से करीब 20 नौजवानों को इस तरह की ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। इसके तहत तकरीबन 6400 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था जिसे यहाँ के ITI सेंटर में तरबियत दी जा रही है, जिसके बाद वो खुद रोजगार से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। खुद रोजगार से पहले बच्चों को तरबियत में एनरोल किया जा रहा है। इसके अलावा भी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम हैं, जिनमें हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, NRLM, हिमायत, मिशन यूथ, मुद्दा स्कीम, तेजस्विनी लोन अहम ताबून दे रहे हैं। तो हमें सिलेक्ट किया है बैक टू विलेज और हमें अलग अलग यहाँ पे ट्रेड में एडमिशन मिली है और हमें इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन मिली है जो कि बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हमें आगे आने में, मतलब आने में फ़ायदा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं और प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं और हमें लगता है कि हमें आने वाले वक्त में हमें इसका बहुत बेनिफिट होगा।
हुकूमत की जानिब से उन्हें हुनरमंद बनाने की जो कोशिश चल रही है उसका उन्हें पूरा फायदा भी मिल रहा है। सनअती तरक्की के इस दौर में हुनरमंद लोगों की मांग में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। इसी के मद्देनजर नौजवानों को यहाँ पर उसी तर्ज पर ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। कुल मिलाकर रजौरी जिले के ITI में नए नए ट्रेंड में इन्हें तरबियत फराहम की जा रही है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के तई यहाँ पर कंप्यूटर, डेटा एंट्री, कोपा सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग, कारपेंटर वगैरह की थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उम्मीद के ग्रुप से जुड़े हुए एक साल हो रहा है सर, तो इस ग्रुप में सर हमें सेल्फ डिपेंड होने की ट्रेनिंग देते हैं सर। पहले हम सर कुछ भी नहीं थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमें इस उम्मीद ने हमें नई पहचान दी है। तो हम अपने 10 लेडीज का ग्रुप बनाते हैं इस ग्रुप में, तो 10 लेडीज को 100-100 रुपया हम सेविंग करते हैं सर। तो वो सेविंग जब हमारे पास 1000 रुपये हो जाती है, जैसे 10 लेडीज हैं तो 1000 हो जाएगी सर, तो 2-3 महीने में 3-4 हज़ार, जब किसी लेडी को जरूरत पड़ती है 400-500 हज़ार तक भी पड़ती है सर, तो हम अपने ग्रुप से उठा के उसकी मदद करते हैं सर। हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, हम इस उम्मीद से हम अपने सेल्फ डिफेंड हो गए हैं सर। बहुत सी लेडीज थी जो पढ़ी लिखी हैं और जो कुछ नहीं भी पढ़ी हैं वो ऐसे ही घर पे बैठी हुई थी, मगर इस उम्मीद की किरण के कारण हमारे जो मतलब एक अपनी पंचायत है वहाँ पे बहुत सी रोशनी फैली है, जिसके कारण बहुत सी लेडीज हैं जो आगे निकल के आई हैं और इस उम्मीद से हमें बहुत बेनिफिट मिला है। हम जो ITI जो हमें पीछे छूट गया था, जो सब कुछ वो हमें फिर से न्यू हो गया है। ITI के थ्रू हमने बहुत से कोर्स यहाँ पे लेडीज को करवाए हैं। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट शोभा तमाम तर तरीके से मालामाल है। यहाँ पर हुनरमंद लोगों की जानिब से तैयार मुख्तलिफ किस्म की पैदावार की जबरदस्त मांग है। इसमें रोजगार के मौजूद मजीद इम्कानात को देखते हुए इससे मुतालिक ट्रेनिंग की सहूलियात बहाल की जा रही हैं। इस शोबे में लोगों को हुनरमंद बनाने से एक तो उन्हें रोजगार से जोड़ने में मदद मिल रही है, साथ ही हैंडीक्राफ्ट शोबे को भी बुलंदी मिल रही है। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।